नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। इसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस बाय शुभेंदु मुखर्जी, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे यूनिट टू क्लाइमेटोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स के बारे में, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहा ये टॉपिक साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, और ये वैसे भी आपके मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंदर भी है, तो ये ऑलरेडी कवर हो जाएगा। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स के अंदर आपको ये भी बताया गया है कि आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों पढ़ने हैं जो साइक्लोन्स के पार्ट हैं, और एंटी साइक्लोन्स तो आपको वैसे भी पढ़ना ही है। नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन यहीं से बनता है, लेकिन फिर भी आपको ये दोनों आने चाहिए। ठीक है, जिस तरह से कोपेन का और थॉर्नवेट का टॉपिक जो है हमने किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से अजम्पशन रीजनिंग के, मैच द फॉलोइंग से कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार नेमिंग से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि साइक्लोन को अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोला जाता है, और वहाँ से क्वेश्चन आता है। अदर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे अब लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, वेरी इजी टॉपिक है ये, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। लेट्स डू इट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम साइक्लोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। साइक्लोन्स क्या होता है? आपने ये वर्ड जो है कई बार सुना ही होगा कि साइक्लोन आया हुआ है। चूंकि हम इंडियन ओशन रीजन से बिलोंग करते हैं, तो हमें तो ये वर्ड कभी भी ऐसा एलियन नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार साल में नॉर्मली जून से लेकर दिसंबर तक तो ये हम सुनते हैं जब तक सर्दियां नहीं आती। तो साइक्लोन क्या है, जिसको हम चक्रवात कहते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, लो प्रेशर के सेंटर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज्ड आइसोबार होती है, और इन लो प्रेशर सेंटर्स में प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, टेक्निकलिटी पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक जनरल बताऊंगा साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो साइक्लोन्स क्या है, ये एक तरीके के विंड सर्कुलेशन है, ठीक है, और यही धीरे धीरे बढ़ के फिर इंटेंस एक स्टॉर्म्स का रूप लेते हैं। तो साइक्लोन्स क्या है, एक तरीके के विंड सर्कुलेशन है जिसके अंदर सेंटर में लो प्रेशर होता है, ठीक है, और प्रेशर जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 992 है, फिर 996 है, फिर 1000 है, 1004, 1008 और 1012, ठीक है, और यहाँ पर जो आइसोबार्स होती है वो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। आइसोबार्स क्या होती हैं, आइसोबार्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो उन एरियाज को जोड़ती हैं जहाँ पर सेम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है। तो क्लोज्ड आइसोबार क्या बताती हैं, क्लोज्ड आइसोबार रैपिड चेंज ऑफ प्रेशर बताती हैं, क्लोज्ड आइसोथर्म्स रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर बताती हैं, और अगर ये वाइड हो जाती हैं तो मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर या चेंज ऑफ प्रेशर जो होता है वो रैपिड नहीं होता, वो जेंटलर होता है, ये बार आपको ध्यान रखनी है। तो साइक्लोन्स क्या है, एक तरीके के ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, विंड सर्कुलेशन है, जिसके सेंटर में लो प्रेशर होता है और ये लो प्रेशर बाहर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। अब चूंकि सेंटर में लो प्रेशर है, तो आप मान के चलिए सारी हवाएं जो हैं इस लो प्रेशर पे कन्वर्ट करती हैं, इस तरह से ये कन्वर्ट कर रही हैं, और ये सारी हवाएं कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, और ऊपर जाके फिर ये डाइवर्ट होती है, ठीक है। तो साइक्लोन का सिद्धांत क्या कहता है, बीच में लो सेंटर, प्रेशर बाहर की तरफ बढ़ना, क्लोज्ड स्पेस्ड आइसोबार्स, और सारे विंड्स का इस लो प्रेशर पे कन्वर्ट होना, कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ जाना, और ऊपर जाके एटमॉस्फेरिक हाइट में जाके फिर ये डाइवर्ट होना, यानी कि साइक्लोन के सेंटर में कन्वर्जेंस हो रहा है और इसके ऊपर, ठीक ऊपर इसके ऊपर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। साइक्लोन्स की अगर सर्कुलेशन की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर यह एंटी क्लॉकवाइज है, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, मैं अगर पेन से भी बताऊं, देखो ये विंड, अगर ये लो प्रेशर है तो एक विंड यहाँ से घुसी, फिर ये यहाँ से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, देखो ये घड़ी की बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। लेकिन अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, साइक्लोनिक सिस्टम सदर्न हेमिस्फीयर पर हमेशा क्लॉकवाइज होते हैं, ये घुसा, ये एयर घुसी, ये सब कन्वर्ज हो रही है, देखो एयर इस तरह से कन्वर्ज हो रही है, और ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाती है सदर्न हेमिस्फीयर पर, ये सब आप जानते होंगे, लेकिन कई बार इसको सिली मिस्टेक आप कर देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैप है, और यहाँ पे इस तरह से साइक्लोन आता है, लो प्रेशर के ये सिस्टम होते हैं, और इसके अंदर प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ बढ़ता है, आइसोबार जो होती है वो क्लोजली स्पेस्ड होती हैं, और इसके सर्कुलेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर पे ये क्लॉकवाइज होता है, ये ठीक है बात। अब साइक्लोन्स के दो टाइप हैं, एक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और एक है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या टेम्परेट साइक्लोन्स, एक्सक्यूज मी। तो भैया अगर हम टाइप्स की बात करें तो ट्रॉपिकल और एंटी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन नाम से ही बता रहे हैं कि भाई ये कहाँ कहाँ पाए जाते होंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर आप ट्रॉपिकल एरिया पे हैं, यानी कि नॉर्मली जीरो डिग्री को छोड़ दो, 5 डिग्री से 30 डिग्री या 23.5 डिग्री तक पाए जाने वाले जो साइक्लोन्स होंगे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे, और उसके बाद आप 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में मान सकते हो, ठीक है, या 45 से प्रिसाइज कर लो उसको, 35 से 65 के बीच में पाए जाने वाले जो होंगे वो आपके मिड लैटिट्यूडनल टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या वेव साइक्लोन्स, इसको आप कह सकते हैं,
तो पहला टाइप तो आपको इसके लोकेशन से ही पता पड़ रहा है कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन वहां होंगे जो ट्रॉपिकल एरियाज पर है। 0 डिग्री पे क्यों साइक्लोन्स नहीं होते? इसका कारण ये है कि भाई साइक्लोन्स के अंदर बनने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स कौन सा फोर्स है? ये वो फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन से जनरेट होता है, और यही रोटेशन की वजह से ये विंड्स को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट वर्ड डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फेयर में ये लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट करता है। ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो जब अर्थ घूमती है तो ये जो हवाएं जो कन्वर्ज हो रही हैं इनकी स्पीड और बढ़ने लगती है, इनका कन्वर्जेंस इंटेंस होने लगता है, और इंटेंस होते होते इनकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त बढ़ जाती है कि ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स का रूप ले लेती है। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो साइक्लोन नहीं बनेंगे, ये अगर स्टेटमेंट कहीं आता है तो ये सत्य है बिल्कुल। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं है, अर्थ रोटेट नहीं कर रही, तो अर्थ पे साइक्लोन्स नहीं बन सकते। यही कारण है कि इक्वेटर पे चूंकि कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल मिनिमम होता है, इसीलिए 0 डिग्री से 5 डिग्री तक आपको कोई भी साइक्लोन देखने को नहीं मिलेगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई है, साइक्लोन्स क्या होते हैं? ये लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं, प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ बढ़ रहा है, क्लोजली स्पेस्ड आइसोबार्स हैं। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कई बार ये स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा, इनमें से आपको स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आजकल तो ऐसे भी आता है, साइक्लोन्स के बारे में सत्य कथन दे रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई 1 2 3 4 कौन सा सही है, या ए और बी सही है या बी और सी सही है। अगर किसी ने रिसेंटली कोई पीसीएस के एग्जाम दिए है तो आपने वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। और नॉट वाले क्वेश्चंस बड़े आते हैं कि भाई आइडेंटिफाई कीजिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सही सही वाला तो आपको बताना ही नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो साइक्लोन्स पर हमेशा जो आइसोबार्स होंगे वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे, क्लोज्ड आइसोबार्स होते हैं। फिर सर्कुलेशन दो टाइप के हो गए, और टाइप्स इनके दो टाइप के हो गए, ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ये हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए जो ट्रॉपिकल एरिया पर हैं, और ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए जो आपको मिड लैटिट्यूड में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर नॉर्मली फ्रंट्स बनते हैं। फ्रंट्स वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया था, जहाँ पर फ्रंट बनेंगे वहाँ पर डेफिनेटली टेम्परेट साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं। और फिर हम बात करते हैं पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो ये नेचर तो उसका सेम रहने ही वाला है, बीच में इसका लो प्रेशर बनेगा, प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, आइसोबार क्लोजली स्पेस्ड होंगे, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि भाई साइक्लोन बनता कैसे है, आगे इसकी फेवरेबल कंडीशन में बता ही दूंगा, ठीक है। साइक्लोन के बनने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कि कोई एक फैक्टर नहीं होता, टेम्परेचर भी होना चाहिए, मॉइस्चर भी होना चाहिए, कोरियोलिस इफेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं कि क्या होता है जब ये सारी विंड्स कन्वर्ज करती हैं, ये विंड्स कन्वर्ज करने के बाद ऊपर की तरफ उठती हैं, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, इनका कोरियोलिस फोर्स तो लग ही रहा है विंड्स पे, ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस होती हैं, कंडेंस होने के बाद इसके अंदर और एनर्जी बनती है, और ये इस तरह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का रूप लेती हैं। वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होंगे जो आपको 5 डिग्री से 23.5 डिग्री या 30 डिग्री तक पाए जाने वाले जो भी साइक्लोन्स हैं, वाटर बॉडीज पर पाए जाने वाले साइक्लोन्स, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी भी आपको लैंड एरिया पर देखने को नहीं मिलेगा, टेम्परेट साइक्लोन्स फिर भी आपको लैंड एरिया पे देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कभी भी आपको लैंड एरिया पे देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? उसको हम आगे समझेंगे, क्यों, उसका कारण क्या है। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन आपने देख लिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये एंटी क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फीयर पे ये क्लॉकवाइज है, और ये कारण मैंने बता दिया, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? तो पहली बात यह है कि मैंने बता दिया ट्रॉपिकल साइक्लोन्स केवल और केवल ओशनिक सरफेस पे मिलेंगे, तो एक बहुत बड़ी सी सरफेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई तालाब के अंदर साइक्लोन बन जाएगा, तालाब के अंदर कोई साइक्लोन नहीं बनता, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, यानी कि वाटर बॉडी कम से कम सी तो होनी ही चाहिए, ठीक है, उसके बाद ओशन तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे मोटे सी इस पे बेस वगैरह पे नहीं बनते, लार्ज सी सरफेस चाहिए। टेम्परेचर शुड बी हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। ये वही टेम्परेचर है जो ट्रॉपिकल एरिया पे हमें देखने को मिलता है, ये वही टेम्परेचर है जो कोरल ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री से या उससे ज्यादा हाई होना चाहिए, और कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर यहाँ पे होनी चाहिए। अब होता क्या है, साइक्लोन बनते कैसे? साइक्लोन एकदम से कोई साइक्लोन नहीं बनता है, कोई वाटर बॉडी पे एकदम से कोई भी सर्कुलेशन, कोई भी लो प्रेशर सिस्टम्स एकदम से साइक्लोन में नहीं बनता। सबसे पहले एक छोटा सा वो डिस्टर्बेंस बनता है, छोटा मोटा एक लो प्रेशर सिस्टम बनता है। फिर क्या होता है, क्योंकि वो लो प्रेशर सिस्टम है तो आसपास की सारी हवाएं वहां पर कन्वर्ट करेंगी, वो हवाएं कन्वर्ट करके ऊपर की तरफ उठेंगी, तो वो लो प्रेशर और इंटेंसिफाई होगा। ये हवाएं जब ऊपर की तरफ जा रही हैं, आप ये बात ध्यान रखना, ये ओशन से उठते भी हवाएं हैं, तो इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है, ठीक है, और इसी के अंदर मॉइस्चर के अंदर लेटेंट हीट भी छुपी हुई है। तो ये हवा जब ऊपर की तरफ जाती है तो क्या लगता है, लैप स्ट्रेट इसके अंदर लगने लगता है, एडियाबेटिक लैप स्ट्रेट लगने लगता है। ये हवा जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो ये ठंडी होने लगेगी, ठंडी होने लगेगी तो कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होते ही खेल शुरू होता है, जहाँ पर इसके हवाओं के अंदर जो भी लैब्स, जो भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो भी इसके अंदर मौजूद थी वो रिलीज हो जाती है। समझना,
फिर से बता रहा हूँ, लार्ज सी सरफेस पे जब टेम्परेचर हायर होता है, ये 27 डिग्री या इससे ऊपर हायर होता है, तो ये टेम्परेचर इनफ होता है हवाओं को, जो वाटर बॉडीज को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। लो प्रेशर ऑलरेडी वहाँ पे बना हुआ है क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी हायर है, ठीक है। ये हमने देख लिया था टेम्परेचर का और प्रेशर से सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर हायर साइड है वहाँ पर लो प्रेशर तो बनेगा ही बनेगा। तो लार्ज सी सरफेस पर जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो वहाँ पर एक लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनने की वजह से सारी हवाएं आसपास की उसके अंदर कन्वर्ट करती हैं, कन्वर्ट करने से ये हवाएं फिर ऊपर की तरफ उठती हैं और साथ में मॉइस्चर लेके भी जाती है। ये मॉइस्चर लेके हवा ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद इन पर इन्वायरमेंटल लैप्स रेट लगने लगता है और खुद की इसकी एडियाबेटिक लैप्स रेट भी इसको ठंडा कर देती है। जब इसका कंडेंसेशन हो जाता है यानी कि जब एयर सेचुरेट हो जाती है, तो यहाँ पर जो इसकी जो इसके अंदर गर्मी जो थी हवा के अंदर वो रिलीज हो जाती है, और यही जब गर्मी रिलीज होती है तो वह आसपास की हवाओं को फिर से गर्म कर देती है। जब आसपास की हवाएं फिर से गर्म होती है तो वो फिर से लाइट हो जाती है, वो फिर से ऊपर की तरफ चलने लगती है। ऊपर चलने के बाद इसमें फिर से कंडेंसेशन होता है, फिर से हीट रिलीज होती है, और फिर ऊपर चलने के बाद फिर से कंडेंसेशन होता है, फिर से हीट रिलीज होती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक नीचे से सप्लाई ऑफ मॉइस्चर मिल रही है। नीचे से अगर सप्लाई ऑफ मॉइस्चर है, क्योंकि देखो बार बार नीचे से हवाएं ऊपर की तरफ जा ही रही हैं और मॉइस्चर लेके बार बार ऊपर आ ही रही हैं, यानी कि नीचे वाली सरफेस पे जब तक वाटर बॉडीज रहेंगी तब तक साइक्लोन जिंदा रहेगा। यानी कि सप्लाई ऑफ मॉइस्चर जब तक रहेगी और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जब तक रिलीज होता रहेगा, यही फ्यूल बनता है इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ये बात आपको ध्यान रखना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा प्रेशर धीरे 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 इंटेंसिफाई होता है, कोरालिस फोर्स भी इसके अंदर लग रहा है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी इसके अंदर बार बार रिलीज हो रही है, बार बार हवा गर्म हो रही है। जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाएगी तो एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी करेगी और ऊपर के जाने के बाद वापस से फिर वो कंडेंसेशन करती है, फिर लेटेंट हीट ऑफ रिलीज होती है। इस तरह से क्या होता है, ये जो पूरा लो प्रेशर सिस्टम है ये इंटेंसिफाई होने लगता है और ये बहुत जबरदस्त रूप ले लेता है। हवाओं का जो वेलोसिटी है वो बढ़ने लगती है, कोरालिस फोर्स इसके अंदर एक्ट होने लगता है, जबरदस्त रेनफॉल होती है, और फिर जब जाके ये लैंड एरिया से टकराते हैं तो उसका लैंडफॉल होता है। जैसे ही लैंड एरिया पर ये टकराते हैं तो नीचे से जो है वो ओशनिक सरफेस अब हट गई है, अब एक लैंड एरिया आ गया है, तो मॉइस्चर कट ऑफ हो गया है, मॉइस्चर कट ऑफ हो गया है, इसीलिए साइक्लोन जो है वो फिर मर जाता है, जिसको हम डाई आउट कहते हैं या डिसिपिएट जिसको हम कहते हैं। अगर नीचे ओशनिक सरफेस है तो साइक्लोन कभी भी लैंडफॉल नहीं कर पाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही चीज़ें कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, टेम्परेचर हायर साइड होना चाहिए जिससे एक लो प्रेशर बने, लो प्रेशर बनेगा तो विंड्स कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्ज करेंगी तो ये विंड्स ऊपर जाके वापस से कंडेंस होगी, कंडेंस होगी तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रिलीज होगी, और रिलीज होने के बाद क्या होगा, ये हवा फिर से गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद वापस से क्या होगा, ये चक्रवात चलता रहेगा और चक्री चलती रहेगी, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, इन विंड को डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इनका एक रोटेशनल, एक गोल गोल जो होता है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिल रहा है, तो वो इसको रूप देता है हवाओं को, एक गोल चक्रा बनाने के अंदर कोरियोलिस फोर्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, विंड का सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये क्लॉकवाइज करता है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर एंड देयरफॉर नो साइक्लोन्स एट इक्वेटर बिकॉज ऑफ द जीरो कोरियोलिस फोर्स। इसीलिए 5 डिग्री लैटिट्यूड के बाद से आपको साइक्लोन देखने को मिल जाएंगे बोथ इन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। अबाउट 65% ऑफ द साइक्लोनिक एक्टिविटी अकर्स बिटवीन 10 से 20 डिग्री लैटिट्यूड, ये अगर स्टेटमेंट आता है तो ये सही है, ये बार आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक और एक कंडीशन है साइक्लोन के बनने की, एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, जिसको मैंने पहले ही कह दिया था कि प्री एग्जिस्टिंग एक छोटा मोटा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर डिस्टर्बेंस होना जरूरी है। यही लो प्रेशर डिस्टर्बेंस, यही प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर सिस्टम जो होता है वो इंटेंसिफाई होता है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, बिकॉज ऑफ द हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से, ठीक है। और साइक्लोन के ऊपर क्या हो रहा होता है, डाइवर्जेंस हो रहा होता है, नीचे क्या हो रहा होता है, कन्वर्जेंस हो रहा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये इसका इंडियन ट्रांसलेशन हो गया, इसको आप देख सकते हैं, देख लीजिए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं साइक्लोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी, इसका साइज एंड शेप कैसा होता है। नॉर्मली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो इलिप्टिकल होता है, यानी कि एक ऑर्बिट जैसा उसका शेप होता है, ये बार आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। साइज की अगर बात करें तो ये नॉर्मली जो इसका सेंटर है, जो आई वाला पोर्शन है, वो 80 किलोमीटर तक वाइड होता है, और नॉर्मली ये पूरा साइक्लोन 300 से टू द मैक्सिमम 1500 किलोमीटर तक ही ये इसका विड्थ हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक बार में साइक्लोन 1500 किलोमीटर तक की एरिया को ये इम्पैक्ट डाल सकता है। यही कारण है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हैं या राजस्थान में हैं या इवन आप अगर सी एरिया से दूर हैं, फिर भी आप देखेंगे कि अगर साइक्लोन कोई आता है
तो आपके इलाके के अंदर आपको विंड्स देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी तेज हवाएं, क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी, थोड़ी छोटी मोटी आपको बरसात ड्रिजल देखने को मिलती है। कारण उसका यही कि साइक्लोन का एरिया 1500 किलोमीटर तक वाइड होता है। ठीक है, विंड वेलोसिटी की अगर बात करें तो भी विंड वेलोसिटी जो होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की पोलवर्ड साइड में वो ज्यादा होती है, ओशनिक साइड में ये ज्यादा होती है, लैंड साइड में ये कम होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एवरेज विंड वेलोसिटी जो होती है ये 120 किलोमीटर पर आर, ये 1200 नहीं है, ये 120 किलोमीटर पर आर है स्टार्ट होती है, उसके बाद ये फिर 1000 तक भी चली जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि भाई साइक्लोन का डायरेक्शन क्या है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का अगर हम जनरली बोलें साइक्लोन का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। हम देख सकते हैं ट्रेड विंड्स का इसके अंदर इम्पैक्ट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का, इसलिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ ही जाती है। लेकिन अगर हम प्रिसाइजली इसका हम पाथ देखें तो एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। स्टार्टिंग में क्या होता है, ये साइक्लोन वेस्टवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, इसका वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूवमेंट होता है। उसके बाद ये वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है ट्रेड ईस्टर्लीज की वजह से, ट्रेड विंड्स की वजह से। उसके बाद अराउंड 20 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होता है, ये कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हम सब इसको डायग्राम में देखेंगे। और फिर उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टवर्ड चलने लगता है। ठीक है, उसके बाद 25 डिग्री के बाद ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आता है और इसी वजह से फिर ये ईस्टवर्ड होने लगता है। तो उसका जो अगर आप देखोगे ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी जो हो रही है साइक्लोन की एक्सक्यूज मी, मान लो अगर ये लो प्रेशर है, ठीक है, ये एक साइक्लोन का केंद्र है तो, और ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है, तो साइक्लोन पहले ये वेस्टवर्ड चलेगा। ठीक है, उसके बाद 20 डिग्री लैटिट्यूड क्रॉस करने के बाद यहाँ पर ईस्टर्लीज जो है वो इम्पैक्ट करने लगेंगी, तो ये इस तरह से नॉर्थ ईस्ट जाएगा। और उसके बाद 25 डिग्री लैटिट्यूड के बाद ये वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट में आता है, तो इस तरह से ये ईस्टवर्ड हो जाता है। तो इस तरह से पैटर्न हमें देखने को मिलता है आगे वाले डायग्राम में, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये आप देखो इस तरह से साइक्लोन पहले वेस्टवर्ड गया, वेस्टवर्ड जाने के बाद यहाँ आने के बाद इस पर कोरियोलिस फोर्स लगा तो ये राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो गया, और डिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ये जो को वेस्टर्लीज के इम्पैक्ट में इस तरह से ईस्टवर्ड की तरफ जा रहा है। ये इसका नॉर्मली रहता है साइक्लोन का। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड में जितने भी साइक्लोन्स हैं सबका पैटर्न ऐसा ही है। अगर हम इंडियन ओशन पे बात करें, ये पहले साइक्लोन्स पैसिफिक से आ रहा है देखो, और ये पहले वेस्टवर्ड जा रहा है, वेस्टवर्ड जाने के बाद इस तरह से कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइटवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहा है, और फिर वेस्टर्लीज के इंपैक्ट में जाते हुए ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सब जगह आप ये देख सकते हो, हरिकेन्स का भी ऐसा ही है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में फिर देखो इस तरह से हो जाएगा इसका डायरेक्शन, फिर सदर्न हेमिस्फीयर पर क्या होगा, चीज़ें अपोजिट हो जाती है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समझ में आता है तो यही बहुत है। तो ये इसका नॉर्मली पैटर्न रहता है। जनरल अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ऑलराइट, ये हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन, और उसके बाद ये दूसरा हो गया इसका पेज। ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ओरिजिन डेवलपमेंट के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक लार्ज सी सरफेस होना चाहिए और इसका टेम्परेचर 27 डिग्री या इससे ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से एक छोटा मोटा प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर बनता है। और इसी के बाद यही लो प्रेशर क्या होता है, ये इंटेंसीफाई होने लगता है, क्योंकि ये जहाँ से जो हवाएं हैं वो कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज होने के बाद इस तरह से देखो, ये कन्वर्ज होने के बाद क्या हो रहा है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है और एक कॉलम बना रही है और ऊपर जाके डाइवर्ज हो रही है। ये जब एयर ऊपर की तरफ जाती है तो इस पर एनवायरमेंटल लैप शेड लगने लगता है और ये कूल होती हैं। कूल होने के बाद ये अपनी हीट रिलीज करती हैं, और हीट रिलीज करने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर जो भी हवाएं हैं ये फिर से गर्म हो जाती है, और वापस से क्या होता है, ये एयर वापस से असेंड करने लगती है। नॉर्मली हमने देखा है जब एयर का कंडेंसेशन हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक असेंट जो होता है, हवा ऊपर की तरफ चढ़ना बंद कर देती है। इसमें क्या हो रहा है, चूंकि नीचे से मॉइस्चर बराबर मिल रहा है, बार बार मॉइस्चर मिल रहा है, तो एयर बार बार ऊपर आ रही है, बार बार इसमें कंडेंसेशन हो रहा है, बार बार हीट रिलीज हो रही है, और बार बार हीट रिलीज होने की वजह से एयर जो है बार बार ऊपर की तरफ जा रही है। तो नीचे से ये जो लो प्रेशर है ये बार बार इंटेंसीफाई हो रहा है, और इंटेंसीफाई होते होते ये एक साइक्लोन का रूप ले लेता है। ये बार आपको ध्यान रखनी है। तो यही स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर द ओशन, वाटर वेपर राइजेस इन टू द एटमोसफेयर, और एज द वाटर वेपर राइजेस इट कूल्स एंड कंडेंसेस इन टू लिक्विड ड्रॉपलेट्स, कंडेंसेशन रिलीजेस द हीट इन टू द एटमोसफेयर मेकिंग द एयर अगेन लाइटर, और द एयर इज वार्म कंटिन्यू टू राइज विद द मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन टेकिंग द प्लेस क्रिएटिंग द मोर विंड। ठीक है, एयर गर्म होगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, मॉइस्ट एयर वापस से नीचे की तरफ आएगी, और ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होगा ये इंटेंसीफाई होने लगता है। ये बार आपको ध्यान रखती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ओरिजिनल के अंदर। अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या होता है, ओशनिक सरफेस पे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है टेम्परेचर बढ़ गया और एक लो
आपको एक प्रेशर देखने को मिला और एयर का जो है मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। जब ये एयर ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पर एयर कूल हो रही है, कंडेंसेशन हो रहा है, और कंडेंसेशन होने की वजह से थोड़े बहुत आपको अपर एटमोसफियर के अंदर थंडरस्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे। मल्टीपल थंडरस्टॉर्म्स जब इंटेंसीफाई होने लगते हैं, ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स में क्या होता है, बिजली कड़कती है, बारिश होती है, बादल देखने को मिलते हैं, तो वही जो होता है वो हमें देखने को मिलता है ओशन सर्फेस के ऊपर। और जब मल्टीपल थंडरस्टॉर्म्स होने लगते हैं तो यही जो एक लो प्रेशर सिस्टम है ये एक साइक्लोन का रूप ले लेता है। दीज थंडरस्टॉर्म्स मर्ज एंड क्रिएट एन इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम्स जिसको हम साइक्लोन कहते हैं, ये बात को ध्यान रखना। तो अर्ली स्टेजेस के अंदर क्या हो रहा है, इन द थंडरस्टॉर्म्स एयर इज लिफ्टेड वार्म एंड लाइट, ठीक है, लैप्स रेट्स में लग रही है, एडियाबेटिक लैप्स रेट लग रही है, कंडेंसेशन होता है, हीट रिलीज होती है, इससे एयर और वार्मर होती है और एयर और ऊपर की तरफ असेंड करती है, नीचे से जो है फ्रेश सप्लाई ऑफ मॉइस्चर बार बार मिल ही रहा है, इससे साइक्लोन जो है वो इंटेंसीफाई होने लगता है। ये सब बातें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, आप देखोगे कि अब ये साइक्लोन्स में क्या हो रहा है, एयर ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये और इंटेंसीफाई हो रही है और ये नीचे से जो क्या हो रहा है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटेंसीफाई हो रहा है, ठीक है। अब जो एयर ऊपर की तरफ जा रही है, जो कंडेंस हो रही है, ठीक है, वो तो नीचे की तरफ आएगी आएगी, लेकिन उसकी जगह दूसरी एयर ले लेती है, तो एयर इसके अंदर डिसेंड भी करती है, जो सिलेंड्रिकल एरिया के अंदर आई रीजन के अंदर जो होता है वहाँ पर एयर डिसेंड करती है और आई वॉल के अंदर जो होता है वो एयर असेंड करती है। इन सबको मैं आपको दिखा दूंगा और यही कारण है कि आपको आई रीजन पे कामनेस देखने को मिलती है। जो साइक्लोन की जो आंख है जिसको हम आंख कहते हैं, वहां पर कभी भी आपको जो है शोर शराबा या तेज हवाएं या बिजली कड़कना या बारिश देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर डिसेंड हो रही है, जो एयर ऊपर उठी थी ऊपर जाने के बाद इसका कंडेंसेशन हुआ था, वो एयर तो नीचे आ रही है, उसकी जगह दूसरी एयर ले रही है, तो वो जो दूसरी एयर है वो तो आई वॉल एरिया में है, लेकिन जो एयर नीचे की तरफ आ रही है वो आई रीजन के अंदर होती है, इसलिए ये जो होता है यहाँ पर कामनेस हमें देखने को मिलती है। ये सब हम डायग्राम में देखने वाले हैं। रीजन ऑफ कामनेस जो होता है वो हमेशा जो होता है वो आई होता है, ठीक है। फिर मेच्योर स्टेज के अंदर क्या होता है, मेच्योर स्टेज के अंदर क्लाउड्स बनते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हमें साइक्लोन के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप देखो, ये एक तरह से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं और रेन बैंड्स देखने को मिलते हैं। रेन बैंड्स बेसिकली साइक्लोन के वो एरियाज हैं जहाँ पर जबरदस्त जो है वो थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग और रेनफॉल देखने को हमें मिलती है, ठीक है। एक और एक चीज आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है, क्लाउड फॉर्मेशन इज डेंसर एट द सेंटर एंड द क्लाउड साइज डिक्रीजेस फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि साइक्लोन जो अगर हम उसके पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो साइक्लोन के बीच में आप देखोगे कि क्लाउड्स फॉर्मेशन डेंस है और आप पेरिफेरी में जाओगे तो क्लाउड्स आपको पतले देखने को मिलते हैं, यानी कि साइक्लोन्स में जो क्लाउड डेंसिटी जो होती है वो उसके बीच में होती है और अगर आप साइक्लोन के आई वॉल से बाहर की तरफ जाओगे यानी कि पेरिफेरी में जाओगे तो क्लाउड डेंसिटी आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओवरकास्ट कंडीशन में देखने को मिलती है जिससे सीरियस क्लाउड्स में देखने को मिलते हैं। मोटा मोटा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं, ये वही क्लाउड है, वर्टिकल राइजिंग क्लाउड्स हैं जो आपको रेनफॉल पैदा करते हैं। जो नॉर्मली क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो होते हैं एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी का निशान होते हैं, इनस्टेबिलिटी का जो होते हैं वो आपको इंडिकेशन देते हैं, तो यही आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको एक वेल डेवलप्ड साइक्लोन्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। ऑलराइट, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की बात करते हैं, पहले हम उसका डायग्राम समझते हैं उसके बाद हम समझ लेंगे आगे कि भाई आगे और क्या चीज़ें हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन में आप देखो ये एक लो प्रेशर सिस्टम है जिसको मैं आई कह रहा हूँ और यहाँ पे ये जो उल्टा एरो जो आ रहा है ये डिसेंडिंग ऑफ एयर बता रहा है, देखो डिसेंडिंग ऑफ एयर इन द आई, क्योंकि जो एयर ऊपर की तरफ राइज करके कंडेंस्ड हुई थी वही एयर अब भारी हो चुकी है, वो नीचे की तरफ आएगी। तो आपको ध्यान रखना है साइक्लोन के आई वाले रीजन में ही एयर का डिसेंड होता है, आई वॉल में नहीं होता है। ये आय हो गया और इसके आसपास का जो आप ये वाला ये एरिया देख रहे हैं, जो मोटा सा दूसरी लेयर जो आ रही है वो आपकी आई वॉल है और यहाँ पर देखो एयर राइज कर रही है, ये जो एरोस दिखा रहे हैं ये आई वॉल वाले एरिया है। सबसे ज़्यादा विंड की वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा रेनफॉल, सबसे ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आपको आई वॉल एरिया में देखने को मिलती है। साइक्लोन की आँख में आपको एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर डिसेंड कर रही है, जहाँ पर एयर डिसेंड करती है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है और जहाँ पर एयर राइज करती है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। साइक्लोन के बिल्कुल सरफेस पे आप देखोगे कन्वर्जेंस हो रहा है और ऊपर आप देखोगे डाइवर्जेंस हो रहा है, इस तरह से एयर जो है बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, एयर बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि नीचे जो है वो एक साइक्लोनिक फ्लो है और ऊपर जो है साइक्लोन के एक एंटी साइक्लोनिक फ्लो हमें देखने को मिलता है। एंटी साइक्लोनिक फ्लो ये कहता है कि भाई एयर अंदर से जो है वो बाहर की तरफ जाएगी और साइक्लोनिक फ्लो ये कहता है कि भाई एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगी। तो देखो ये सारी हवाएं जो है बाहर से कन्वर्ज होकर अंदर की तरफ आ रही है, लेकिन ये एयर जब वर्ल्ड होके
एंटी क्लॉकवाइज घूम घूम के ऊपर की तरफ गई और यहाँ जाने के बाद ये फिर ये डाइवर्ट हो जाती है। मैंने आपको कहा था साइक्लोन के सरफेस पे कन्वर्जेंस है और टॉप पर, उसके टॉप पर डाइवर्जेंस है, यहाँ पर डाइवर्जेंस है, वहाँ पर एंटी साइक्लोनिक फ्लो है, और जहाँ पर कन्वर्जेंस है वहाँ पर साइक्लोनिक फ्लो है। ठीक है, ये हो गए हमारे रेन बैंड्स। ये वो पोर्शन है जहाँ पर जबरदस्त आपको क्या देखने को मिलती है, जबरदस्त बरसात देखने को मिलती है। और ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना सा फ्लैट एरिया बना हुआ है, ये क्यूमुलिनस क्लाउड्स का ही निशान है, जिसको हमने यहाँ पे देखा था। टॉप पे आप देख सकते हो क्यूमुलिनस क्लाउड्स को जिस तरह के एक पोर्शन मिले थे, इसलिए इसको इलेप्टिकल भी कहा जाता है। देखो ये इलेप्टिकल शेप देखने को मिलता है, एक ऑर्बिट की तरह हमें देखने को मिलता है ये साइक्लोन। ठीक है, तो आई होप ये आपको पोर्शन समझ में आ गए होंगे। ये आई वॉल है, ये आई है, आई वॉल के ऊपर क्या होता है, एयर की जो हो रही है वो राइजिंग हो रही है, आई के अंदर एयर का डिसेंड हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्जेंस हो रहा है। ठीक है, और ये रेन बैंड्स हो गए जहाँ पर जबरदस्त बरसात होती है, ये बारह को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यही दे रखा कि भाई आई कौन सा है, ये आई जो है यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, फेयर वेदर होता है, लाइट विंड्स होती है, क्योंकि यहाँ पर एयर डिसेंड कर रही है, ये बारह को ध्यान रखनी है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है ना, आई इज द रीजन ऑफ लोएस्ट सर्फेस प्रेशर, ये तो बात बिल्कुल सही है। ऑल्दो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर कोई भी बरसात नहीं हो रही है, लेकिन सबसे कम प्रेशर साइक्लोन का अगर देखा जाए तो वो आई में ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई साइक्लोन में प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ बढ़ता है, तो यानी कि सबसे कम तो भी आई के अंदर ही होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोबारा को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई इज द रीजन ऑफ लोएस्ट सर्फेस प्रेशर एंड द वार्मेस्ट टेम्परेचर अलॉफ्ट। ठीक है, द आई टेम्परेचर मे बी 10 डिग्री वार्मर और मोर एट ऑल्टीट्यूड ऑफ द 12 किलोमीटर देन द सराउंडिंग एनवायरमेंट। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, द टेम्परेचर ऑफ द आई मे बी 10 डिग्री वार्मर और मोर देन द एल्टीट्यूड ऑफ द 12 किलोमीटर, यानी कि आई रीजन पे टेम्परेचर जो होगा वो तो थोड़ा सा आपको गर्म साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, आई की अगर हम रेंज की बात करें तो वो 8 से 200 किलोमीटर तक ही होती है, ज़्यादा ये विड्थ इसकी नहीं होती है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे 30 से 60 किलोमीटर तक ही होता है, यानी कि आई जो होती है ना साइक्लोन की, उसकी विड्थ ज़्यादा नहीं होती, जो विड्थ होती है वो आई वॉल की होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, उसके बाद हम आई वॉल के बारे में बात करते हैं। यही वो पोर्शन है जब सबसे ज्यादा यहाँ पर तबाही देखने को मिलती है, डीप कन्वेक्शन होता है, यानी कि हवा ऊपर की तरफ जा रही है। कन्वेक्शन मतलब क्या होता है, हवा ऊपर की तरफ जाती है। द आई इज सराउंडेड बाय आई वॉल, मतलब बता दिया कि आई के आसपास जो वाला जो वॉल है वो आपकी आई वॉल है। हाइएस्ट सर्फेस विंड्स यहाँ पर होती है, ठीक है, फास्टेस्ट विंड्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर क्या होता है, द आई इज कम्पोज ऑफ एन एयर दैट इज स्लोली सिंकिंग एंड द आई वॉल हैज एन नेट अप ड्राफ्ट अपवर्ड फ्लो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इसी के आसपास हमारे क्या होते हैं, स्पाइरल रेनबेड्स होते हैं, जिससे प्रेसिपिटेशन आती है, जिससे हैवी प्रेसिपिटेशन आती है, क्यूमुलिनस क्लाउड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद अगर हम वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की बात करें कि भाई वर्टिकल स्ट्रक्चर में तीन लेयर हमें देखने को मिलती है, सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सबसे लोएस्ट लेयर है जो 3 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है, और यहाँ पर एयर का इनफ्लो हो रहा है, सारी एयर आसपास से आके कन्वर्ज कर रही है लो प्रेशर पर। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राइविंग ऑफ द स्टॉर्म। ठीक है, इसके बाद मिडिल लेयर है जो 3 से 7 किलोमीटर तक हाइट पर है, और ये मेन साइक्लोनिक स्टॉर्म है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश वगैरह हो रही है। स्पाइरल बैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, रेन बैंड्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, क्यूमुलिनस क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे, और फिर लास्ट वाली जो लेयर है वो आउटफ्लो वाली लेयर है, जहाँ पर क्या हो रहा है, एंटी साइक्लोनिक फ्लो हमें देखने को मिलता है, सबसे ऊपर वाली जहाँ पर डाइवर्जेंस होता है एयर का, और वहाँ पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, ये 7 किलोमीटर से अबव है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीन लेयर है, लोएस्ट लेयर जिसकी वजह से साइक्लोन आ रहा है, मिडिल लेयर जिसकी वजह से जो है फास्ट विंड्स हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, और ये वाला आउटफ्लो लेयर है जो सबसे बिल्कुल टॉप पर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया इसके अंदर ट्रांजिशन। ठीक है, अब हम थोड़ा कैटेगरीज ऑफ टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देख लेते हैं। नॉर्मली 5 टाइप की कैटेगरी यहाँ पर है। पहली कैटेगरी है मिनिमल डैमेज, जहाँ पर विंड की वेलोसिटी 119 से आपको देखोगे देखने को मिलेगा 150 किलोमीटर पर आवर पर है, साइक्लोन ही है लेकिन मिनिमल डैमेज यहाँ पर होता है। दूसरा है मॉडरेट डैमेज होता है, ये है 150 से 177। तीसरा है एक्सटेंसिव डैमेज, जो 177 से 208 हो गया, यानी कि 200 से पार जब करने लगेगा तो एक्सटेंसिव डैमेज हो जाएगा। फिर फोर्थ कैटेगरी है एक्सट्रीम डैमेज, जब 200 से 250 जा रही है विंड वेलोसिटी, और लास्ट में कैटास्ट्रॉफिक हो गया, जब 250 से ज़्यादा इवन 1000 तक जब चली जाती है तो वो आपका कैटेगरी 5 के अंदर आएगा। इस तरह से आप देखोगे कि साइक्लोन का आप किस तरह से जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि भाई कि साइक्लोन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होता है, सुपर साइक्लोन क्या होता है, और डिप्रेशन क्या होता है, और ये सारे क्लासिफिकेशन विंड की वेलोसिटी पे ही करते हैं। तो एक लो प्रेशर सिस्टम जब बनता है तो उसमें विंड वेलोसिटी जो होती है वो लेस देन 31 या 30 किलोमीटर पर आवर होती है। फिर यही लो प्रेशर एक छोटे मोटे प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस का रूप लेता है, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन में जो वेलोसिटी होती है वो 30 से 50 के बीच में होती है,
और उसके बाद ये डिप्रेशन थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होता है, फिर ये डीप डिप्रेशन बनता है, ये 50 से 60 हो गया, फिर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का ये रूप ले लेता है। अभी भी देखो 100 से कमी है, 60 से 88 मान लो, अब 90 तक मान लो, फिर ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया जो 88 से 117 है, वेरी सीवियर साइक्लोन्स जो 220 तक जा रहा है, और सुपर साइक्लोनिक मतलब 220 से पार हो गया है। तो ये आप देखोगे जो भी साइक्लोन डेवलप होता है वो लो प्रेशर से स्टार्ट होता है, फिर वो डिप्रेशन बनता है, फिर वो डीप डिप्रेशन बनता है, साइक्लोनिक स्टॉर्म तो वो बनता ही बनता है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि भाई विंड वेलोसिटी कितनी तेज जा रही है, अगर विंड वेलोसिटी बहुत ज़बरदस्त तेज आएगी तो उसका फिर ये नेक्स्ट रूप ले लेगा और अल्टीमेटली सुपर साइक्लोन बनने लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पाए जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, इसको आप देख लीजिए। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर जो ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर कंट्रीज आएंगे वहीं पाए जाएंगे। तो ये मैप भी आप देख सकते हैं, ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बेल्ट है। देखो साउथ ईस्ट कैरिबियन रीजन हो गया, यानी कि ये वाला रीजन हो गया, ठीक है, जहाँ पर हरिकेन्स आते हैं। फिलिपिन आइलैंड्स हो गए, यानी कि ये वाला एरिया हो गया, फिलिपिन आइलैंड्स हो गए। ईस्टर्न चाइना हो गया, जापान का एरिया हो गया। बे ऑफ बंगाल इज अ प्रोबेबल रीजन फॉर साइक्लोन्स, अरेबियन सी के अंदर भी आते हैं, ठीक है। ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी कि ये वाला भी आ गया, मेडागास्कर कोस्ट वगैरह भी यहाँ पर आ गया, और नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये वाला पार्ट भी इसके अंदर आता है। तो ये जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाने वाले जितने भी हैं वो आपके कहलाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये मैप से आपको और क्लियर हो जाएगा, नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं। अब इस पे कन्फ्यूजन होता है कि यार साइक्लोन तो चलो हमें पता है, साइक्लोन जो है इंडियन ओशन पे अगर कोई इस तरह का सीवियर साइक्लोनिक डिप्रेशन बनता है तो उसको हम साइक्लोन कहते हैं। अब दो और नाम है, एक तो ऑस्ट्रेलिया में जब पाए जाने वाले होते हैं उसको हम विली विलीज कहते हैं, ये भी आपको याद हो जाता है। ध्यान रखना, अगर साइक्लोन ऑस्ट्रेलियन एरिया में डेवलप हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास डेवलप हो रहा है, तो उसको हम विली विलीज कहते हैं। इंडियन ओशन में आ रहा है तो उसको हम साइक्लोन कहते हैं। इसके बाद दो नाम और हैं, एक है हरिकेन्स और टाइफूंस। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भाई कौन सा हरिकेन है कौन सा टाइफून है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टाइफून बेसिकली एक टर्म यूज़ किया जाता है, हम बोलते हैं बिजनेस टाइफून, ठीक है, इंडिया का नया बिजनेस टाइफून है, यानी कि बिजनेस जाइंट जिसको हम बोलते हैं, तो वो उसके लिए हम टाइफून यूज़ करते हैं। तो आप ये समझ लो कि भाई ओशन में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ओशन टाइफून कौन सा है, तो वो पैसिफिक है। तो पैसिफिक ओशन में आने वाले जो भी साइक्लोन्स होंगे या लो प्रेशर डिस्टर्बेंस होंगे उनको हम टाइफून्स कहते हैं, और जो बचा हुआ है वो हरिकेन है, यानी कि अटलांटिक ओशन में आए जाने वाले जो भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं वो आपके हरिकेन कहलाते हैं। पैसिफिक में आने वाले जो होंगे वो टाइफून होंगे, टाइफून आपको ध्यान रखना है, टाइफून मतलब बड़ा, बड़ा मतलब पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, ठीक है। साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको ध्यान हो ही जाएगा इंडियन ओशन में है, और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जो होते हैं वो आपके होते हैं विली विली जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये इनके टाइम पीरियड भी दे रखे हैं, टाइफून जो होता है वो अप्रैल से जैन के बीच में आता है पैसिफिक ओशन के अंदर, ट्रॉपिकल साइक्लोन सबके अप्रैल से दिसंबर के बीच में आते हैं, और हरिकेन जो होते हैं वो जून से नवंबर के बीच में आते हैं, और ये आपको देख लेना है, ठीक है। ऑलराइट, और ये नाम की मैं बात कर रहा था, ये नाम यहाँ पे दे रखे हैं, इंडियन ओशन में इनको साइक्लोन्स कहा जाता है, अटलांटिक के अंदर इनको हरिकेन कहा जाता है, और पैसिफिक के अंदर इनको टाइफून कहा जाता है। पैसिफिक में टाइफून कहा जाएगा, टाइफून मतलब बड़ा, बड़ा मतलब पैसिफिक ओशन, आपको ये नाम याद हो जाना चाहिए। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको विली विलीज कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इनके रीजनल नेम्स हैं साइक्लोन्स के। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करते हैं वार्निंग सिस्टम ऑफ साइक्लोन्स के बारे में, कि भाई साइक्लोन्स आता है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है। तो साइक्लोन्स को डिटेक्ट करने के लिए जो ओशनिक कंडीशंस होती हैं उसी को मॉनिटर करती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और हर देश की जितनी भी उनकी मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉन्टिन्यूस एक वॉच रखती है ओशनिक प्रेशर पे। अगर ओशनिक प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है तो ये एक इंडिकेशन देता है कि भाई साइक्लोन आने वाला है। विंड वेलोसिटी बढ़ने लगती है तो एक इंडिकेशन है साइक्लोन आने वाला है। और विंड्स का डायरेक्शन अगर वैसा ही बन रहा है जैसा हमने देखा, पहले वो वेस्टवर्ड जा रही है, फिर वो नॉर्थ ईस्टवर्ड जा रही है, फिर वो ईस्टवर्ड जा रही है, तो इससे ये पता लगा लेते हैं कि भाई ये जो डिस्टर्बेंस है वो एक साइक्लोन का रूप ले सकता है, ठीक है। बेस्ड अपॉन द डेटा ऑफ द प्रेशर एंड बेस्ड अपॉन द डेटा ऑफ विंड वेलोसिटी, जो जितने भी मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो ये पता लगा लेते हैं कि भाई साइक्लोन्स कैसे आता है। इंडिया के पास भी जो भी कोस्टल स्टेट्स हमारे पास, उस सैटेलाइट्स की मदद से हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे पास जो होते हैं एयरक्राफ्ट होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, जिसकी मदद से हम जो है वो रिमोट सेंसिंग की मदद से ये हम पता लगा लेते हैं कि भाई साइक्लोन्स कैसे आ रहे हैं, और एक अर्ली मॉर्निंग सिस्टम हम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। साइक्लोन मॉनिटरिंग बाय सैटेलाइट इज डन थ्रू वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर्स, यानी कि वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर जो होते हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और रिमोट सेंसिंग रेडार से, एयरक्राफ्ट से, सैटेलाइट से हो ही जाती है, ठीक है। जिससे हमें ये पता लगता है कि भाई ठीक है साइक्लोन आने वाला है।
जिससे हम क्या करते हैं, एक कंटिन्यूस इवैक्यूएशन कर देते हैं लोगों का। फिशरमैन जो ओशनिक एरियाज में जा रहे हैं, जो भी मछुआरे जा रहे हैं, उनको रोक दिया जाता है एक समय के लिए। जो भी ट्रेड ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है, कुछ शिप वहाँ पर जा रहा है, उनको सबको एंकर पर लगा दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा लंबे समय से, बहुत लंबे समय से आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो जो प्रिडिक्शन जो क्वालिटी है और फॉरकास्टिंग क्वालिटी ऑफ साइक्लोन है वो बढ़ गई है। अब मिनिमल कैजुअलिटीज हमें देखने को मिलती है, खासकर उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश के अंदर। ये कारण है कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो एफिशिएंट हो गई है। और इसी का एक कारण आपको देखने को मिलेगा कि साइक्लोन डिटेक्शन के अंदर एक नई टेक्निक सामने आई है जो इंडिया के IIT खड़गपुर ने दी है। IIT खड़गपुर जो है कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। और इन्होंने क्या किया है, एक एडी डिटेक्शन टेक्निक बताई है जो सैटेलाइट से बिल्कुल परे है। ये डिटेक्शन ऑफ साइक्लोन सैटेलाइट से नहीं हो रहा, ये ओशन पे होने वाले ओशन सरफेस से ऊपर जो भी अपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी डिस्टरबेंस हो रहे हैं उसको पता करके ये पता लगा लेते हैं कि आने वाला डिस्टरबेंस एक साइक्लोन का रूप लेगा ही नहीं लेगा। नॉर्मल के अंदर हम क्या करते हैं, हम रिमोट सेंसिंग का यूज लेते हैं, वार्म सरफेस का हम भाई टेम्परेचर बार बार नोट करते हैं, हम देखते हैं कि भाई टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर लो जा रहा है नहीं जा रहा, वो मॉनिटर किया जाता है, विंड वेलोसिटी मॉनिटर की जाती है, और फिर हम पता लगाते हैं कि भाई ठीक है भाई इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक लो प्रेशर बना है, सी सरफेस जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ गया है और विंड वेलोसिटी बढ़ने लगी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर साइक्लोन आएगा। लेकिन जो एक नई टेक्निक जो IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने ईजाद की है, उसका नाम है एडी डिटेक्शन टेक्निक। ये क्या कर रहे हैं कि कोई भी ओशनिक एरिया, खासकर बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक एरिया के अंदर अगर कोई वर्लपूल बन रहा है, ठीक है, वहां पर अगर कोई एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो उस डेटा को ये इंटरपोलेट करके, एक्सट्रापोलेट करके ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर एक साइक्लोनिक डिप्रेशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो सैटेलाइट्स के डिटेक्ट करने से पहले ही ये टेक्निक कारगर है और ये साइक्लोन के आने से 4 दिन पहले ही डिटेक्शन वार्निंग जारी कर सकती है। ये कितनी अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर तो भाई इससे पहले क्या हो रहा था कि भाई हम वेट करते थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सी सरफेस का वो कम हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सी सरफेस का वाटर टेम्परेचर बढ़े, ठीक है, विंड की वेलोसिटी बढ़े, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तो हम पता लगाएं। ये वाली जो टेक्निक है एडी डिटेक्शन टेक्निक, ये क्या कर रही है, इन सब चीज़ों को ये देखती ही नहीं है, उस सी सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी हो रही है उनका डेटा ये ले लेते हैं और उस डेटा को ये एक्सट्रापोलेट इंटरपोलेट करके ये पता लगा लेते हैं कि इस डिस्टर्बेंस से क्या इस पर्टिकुलर बे ऑफ बंगाल रीजन पे या अरेबियन सी रीजन पे या इस पर्टिकुलर नीचे जो भी वाटर सरफेस है यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म जन्म लेगा या नहीं लेगा। तो ये 4 दिन पहले ही आपको एडवांस वार्निंग जारी कर देते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एडी डिटेक्शन टेक्निक किससे संबंधित है, तो ये डिटेक्शन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन है एंड इट इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इसका ट्रांजिशन हो गया। अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोन के बारे में कि भाई साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है। आपने देखा होगा हर 4th-5th दिन में, नॉर्मली गर्मियों के दिन में और सर्दी से पहले आपको बहुत सारे साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं और हर बार एक नया नाम आता है, तो वो कैसे आता है, तो ये एक कंसेंसस हुआ है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक UN की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये किया है कि भाई पूरे वर्ल्ड को अलग अलग बेसिन में डिवाइड कर दिया है और उस बेसिन से जुड़े हुए जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी लिटोरियल कंट्रीज हैं, जैसे इंडियन ओशन बेसिन की अगर हम बात करें, तो इंडियन ओशन बेसिन में आने वाले जितने भी देश हैं, चाहे वो इंडिया हो, श्रीलंका हो, ठीक है, पाकिस्तान हो, ओमान हो, UAE हो, थाईलैंड हो, म्यांमार हो, इन सब देशों को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप अब साइक्लोन की नेमिंग करेंगे। तो ये क्या करते हैं, सारे देश अपने अपने एक प्रोबेबल नाम दे देते हैं और उसको एक लिस्ट बना दी जाती है और फिर हर कंट्री को एक टर्न दिया जाता है कि भाई इस बार अगर साइक्लोन आया तो आपकी बारी, अगली बार आया तो फिर आपकी बारी, और इस तरह से ये लिस्ट जो है वो कंप्लीट चलती रहती है। तो साइक्लोन की नेमिंग अल्फाबेटिक वे के अंदर नहीं होके ये टर्न बाय टर्न चलती है, ये बार आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे चलती है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई साइक्लोन बोल दो ना यार, साइक्लोन की नेमिंग करने की जरूरत क्या है। तो साइक्लोन की नेमिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जितने भी देश हैं, ठीक है, इनके पास कम्युनिकेशन ईजी हो जाए, एक कॉमन नाम हमारे पास अगर रहेगा तो हम कम्युनिकेट करने में, वार्निंग सिस्टम जारी करने में, आसपास की जितनी भी मीडिया है, जितने भी वार्निंग डिटेक्शन सेंटर है, उनके पास एक कॉमन नाम रहेगा तो कोई कन्फ्यूज नहीं होगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कॉमन नाम, कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है और उसके बाद हम ये करते हैं। तो हर कंट्री एक नाम अपना प्रपोज करता है और अपनी बारी आने पर अपना नाम वो लिया जाता है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से लिस्ट दे रखी है,
ये एक तक 1 से 13 तक की लिस्ट है और यहाँ पे देशों के नाम है, आप देख सकते हो, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड येमेन। और ये पहली लिस्ट अभी चल रही है, आपने इनमें से काफी सारे साइक्लोन के नाम सुन लिए होंगे क्योंकि ये साइक्लोन आ चुके हैं। निसर्ग आया था, गति आया था, निवार आया था, ठीक है, तोते का नाम आपने सुना था, ये म्यांमार ने दिया था। इसके बाद अभी रिसेंटली गुलाब साइक्लोन आया है, ठीक है, जो पाकिस्तान ने सजेस्ट किया है। और अभी शाहीन साइक्लोन ऑलरेडी जो है वो इंडियन ओशन के अंदर बन रहा है और ये भी जो है वो लैंडफॉल करेगा जल्दी, ठीक है, तो ये कतर ने किया है। इसके बाद जो सऊदी अरेबिया की बारी है जावद नाम से, इस तरह से ये नेमिंग होती है, फिर ये लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इस लिस्ट को लिया जाएगा, फिर इस लिस्ट को लिया जाएगा, और इस तरह से ये नेमिंग चलती रहती है जब तक कि ये लिस्ट कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से इनकी नेमिंग होती है। ये हो गया इसका हिंदी ट्रांसलेशन। ऑल राइट, तो ये हमने कर लिया गाइस, ये इसका पार्ट वन खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन के बारे में और एंटी साइक्लोन के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वन।